ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है ना जाएगा खत्म, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। ഉത്തർ പ്രദേശിലെ 80 ലോക്സഭാ സീറ്റിലും തന്റെ പാർട്ടി വിജയിച്ചാലും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളെ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്. ലോക്സഭയിലെ നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഇന്ത്യ സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഇവിഎമ്മുകൾ ഒഴിവാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സർക്കാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ചിലർക്ക് അനുകൂലമായി പെരുമാറി. അതേപറ്റി ഞാൻ വിശദമാക്കുന്നില്ല. ആ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയും ചില സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു, അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. ഇവിഎമ്മുകളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല. യുപിയിലെ 80 സീറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി വിജയിച്ചാലും ഇവിഎമ്മുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज़, जो करते थे किसी को लाने का दावा वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान, अभयदान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ लागू हुआ उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है। और अगर उस संस्था पे प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है, इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है ना जाएगा खत्म, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे।
उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं दो बार बनवाई, और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर, वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। ഇവിഎമ്മുകളെ പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള പറഞ്ഞു.